नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ECS के नवे T10 मुकाबले की और आज के दिन के पहले मुकाबले की, जो यहां पर खेला जाएगा टीम जिन्ना ब्रेस्का वर्सेस टीम वेन के बीच में। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन्ना ब्रेस्का के प्लेइंग 11 और उनके स्टैट्स की। तो देखिए यहां पर इनकी टीम्स ने दो मुकाबले खेले हैं कल और दोनों मुकाबले इन्होंने जीते हैं, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इनकी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और एक बैलेंस टीम है। तो सबसे पहले इनकी ओर से आते हैं निसार अहमद, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है। कल इन्होंने दो मैचेस खेले, दोनों में इन्होंने परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेकार किया। पहले मैच में इन्होंने 7 रन बनाए, दूसरे मैच में इन्होंने मात्र 18 रन बनाए। इसके अलावा इनका रिकॉर्ड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, तो आज आप इनको पिक करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे शाहरुख नवाज, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है। इसके अलावा स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करा सकते हैं। कल इन्होंने दो मैचेस खेले, पहले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, 7 रन पे आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने 41 रन की काफ़ी शानदार पारी खेली। नंबर 3 पे आएंगे हसन अहमद, जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो कल इन्होंने दो मैचेस खेले, दो मैचेस में इन्होंने 2 और 21 रन बनाए और ये भी अपनी टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। नंबर 4 पे आएंगे हसनत अहमद, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है। उसके अलावा राइट ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराता है। कल इसने दोस्तों यहाँ पर दो मैचेस खेले, पहले मैच में इसने 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 8 रन बनाए। दूसरे मैच में मात्र 1 ओवर की ही बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 4 रन बनाए। नंबर 5 पे आएंगे इनकी ओर से महमूद रिजवान, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करा सकते हैं। इन्होंने कल दो मैचेस खेले, पहले मैच में इन्होंने 14 रन आबाद बनाए, दूसरे मैच में इन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं महमूद इमरान की, तो ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे कल के। इन्होंने पहले मैच में 38 रन आबाद बनाए, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट तो नहीं मिला पर काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा इन्होंने दूसरे मैच में भी 7 रन बनाए और 1 विकेट निकाला अपनी टीम के लिए। नंबर 7 पे आएंगे सुखविंदर सिंह, जिन्होंने कल पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर भी इनको 1 विकेट मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर है। ECS का आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, ECS में 10 मैचेस में 9 विकेट हैं इसके। नाम गुलाम फरीद की मैं बात करूं, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। इन्होंने कल देखा जाए तो पहले मैच में तो बैटिंग का चांस मिला नहीं, दूसरे मैच में इन्होंने आके 13 रन बनाए। हसन अली की मैं बात करूं तो इन्होंने भी 2 मैचेस खेले हैं ECS में, विकेट नहीं निकाले थे, लेकिन कल पहले मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाला, दूसरे मुकाबले में फिर से 1 ओवर की बॉलिंग की, पर यहाँ पे इनको विकेट नहीं मिला। रुखसार अहमद की मैं बात करूँ, अपनी टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। पहले मुकाबले में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले, दूसरे मुकाबले में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की, 3 विकेट निकाले और 1 रन भी बनाया। हमजा इश्तियाक की मैं बात करूँ तो एक ये राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। ECS में इन्होंने 2 मैचेस में 6 रन बनाए हैं, 4 विकेट निकाले हैं। कल की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, पहले मैच में कुछ खास मौका मिला नहीं, दूसरे मैच में अपनी टीम के लिए 8 रन भी बनाए और 1 विकेट भी निकाला। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पे जो टीम रहेगी ना जिन्ना ब्रेस्का, इनकी ओर से इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए कौन से रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे निसार अहमद मैं इनको इंपॉर्टेंट मानता हूँ, उसके अलावा शाहरुख नवाज जिस तरीके से कल बल्लेबाजी की थी, हसनत अहमद, 3 तो ये प्लेयर हो गए। नीचे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए इमरान इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके अलावा रुखसार अहमद, तो 5 प्लेयर जो है वो इनकी ओर से आपके लिए कन्फर्म है कि ये आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको अभी तक वीडियो के अंदर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट है, जो मेरी फाइनल टीम है आफ्टर लाइनअप है टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टैक्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अभी के समय हमारे चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी, दोनों जगहों पर आप जब जाएंगे ना तो सबसे पहले नंबर पर मेरे चैनल की ही लिंक होगी, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम की, वेन की। तो वेन ने देखिए अपने सीजन 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से ये 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। तो सबसे पहले इनकी ओर से आते हैं नजमुल हक, इस टीम के कैप्टन हैं।
चारों मैचेस में सिर्फ एक मैच को छोड़ के बाकी इन्होंने तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। 33-8, 38-22 ये इनका स्कोर है लास्ट दो मैचेस का। हुसैन अहमद की मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेग स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। पहले मैच में इन्होंने 3 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने 3 मैचेस खेले वहाँ पर इन्होंने सिर्फ बैटिंग की, बॉलिंग से 1 ओवर भी इनको नहीं मिला। सोजुन इस्लाम की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन है, 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रही है। सैगर चुकदार की मैं बात करूँ, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराता है, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट निकाला, दूसरे मैच में फिर से 1 ओवर की बॉलिंग की, तीसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाला, और 14 मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाला। यानी ये इंपॉर्टेंट और मेन बॉलर है अपनी टीम के लिए, और किसी भी मैच में आराम से 2 ओवर की बॉलिंग करा सकता है, डेथ ओवर में भी आ सकता है। राजीव मियां की मैं बात करूं, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं, इन्होंने पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 0 विकेट, 28 रन, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट, 11 रन, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट, और चौथे मैच में इन्होंने यहाँ पे 2 रन बनाए, 2 विकेट भी निकाले। उसके अलावा महमूदुल इस्लाम की मैं बात करूं, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 0 विकेट, 15 रन, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 0 विकेट, 1 रन, चौथे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट, 1 रन इन्होंने बनाया। मियां लामिन की मैं बात करूं, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, कल इन्होंने देखिए पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले और 22 रन बनाए, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले, 2 रन बनाए, तीसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले, और चौथे मैच में फिर से इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, पर यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले, पर इन्होंने 2 रन नाबाद होकर बनाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है मियां लामिन अपनी टीम के लिए। महबूब खान की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं, इन्होंने भी 4 मैचेस में बिल्कुल सी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, किसी भी मैच में इनका परफॉर्मेंस खास नहीं रहा, एक मैच में इन्होंने सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग की है। मजीबुर शारीफ की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराएगा, इनके भी 4 मैचेस बिल्कुल ही बेकार गए हैं, किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आसिफ की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराना है, पहले दिन जो इनके 2 मुकाबले थे वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार रही थी, लेकिन दूसरे दिन इन्होंने पहले ही मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले, और तीसरे मैच चौथे मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की और यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ पर सिमोन वोल्गन है, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, ECS में इन्होंने 5 मैचेस में अभी तक तो कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया नहीं, और ना ही कल भी इनको बैटिंग का मौका मिला। तो जब यहाँ पे आप विन की टीम देखेंगे ना, तो आपको नजमुल हक इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, सागर चौकदार आपको इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे मियां लामिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी मुझे और कोई प्लेयर की ओर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों टीम्स का एनालिसिस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिए। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अभी के समय 7,000 से ज़्यादा लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो चैनल का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से आप जाके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी मेंबर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब चलते हैं ऐप की ओर, जहाँ पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहेंगे, और इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों बल्लेबाजी एप्लीकेशन। काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं, अभी के समय सबसे टॉप क्लास और सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप मेरी लिंक से इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का फ्री बोनस मिलेगा, जिसको आके आप लोग यहाँ पे 100% यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैच है ना, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, तो इस मैच में आपके लिए काफ़ी बड़े बड़े कॉन्टेस्ट यहाँ पे लगाए गए हैं, और इसके अलावा आपका यहाँ पे जो बोनस है वो भी यूज़ हो जाएगा, 20% बोनस आपका यूज़ हो जाएगा, 50% बोनस यूज़ हो जाएगा, इसके अलावा आपका यहाँ पे 20% बोनस भी यूज़ होता है वो दिखेगा। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे स्पेशल लीग ऑर्गेनाइज़ की गई है, जहाँ पर आप एक फ्री गैजेट विन कर सकते हो नॉर्थ CE। और आपको मैं बता दूँ, जब आप यहाँ पे 10 रुपये की एंट्री फीस लोगे ना, तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक तो चाहें जितनी एंट्री ले सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी कम रहता है। और आपको एक और बात मैं बता दूँ, जो भी मनी आप यहाँ पे विन करोगे ना, उसको आप पेटीएम और बैंक दोनों के अंदर विड्रॉल ले पाओगे। पेटीएम के अंदर आपको मिनिमम 10 रुपीज़ चाहिए, और मिनिमम आपको 1 मिनट चाहिए विड्रॉल के लिए, यानी इंस्टेंट विड्रॉल आपको ये एप्लीकेशन देती है।
इसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन पे आप लोग एक क्लासिक टीम तो बना ही सकते हो, उसके अलावा आप बैटिंग की टीम बना सकते हो, आप बॉलिंग की टीम बना सकते हो, एक रिवर्स टीम बना सकते हो, साथ में आप लोग यहाँ पे आके सेकेंड इनिंग भी खेल सकते हो। जब आप यहाँ पे टीम क्रिएट करते हो ना तो आपको एक फीचर दिया जाता है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आके बैटिंग करेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि विकेट किसको मदद करेगी, बैटिंग को करेगी या बॉलिंग को। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक प्लेयर इंटेलिजेंस का फीचर है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, और इसको इनेबल करते ही आपको ये पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में और उसका पोजीशन क्या है, किस नंबर पे आके बैटिंग करेगा। आप किसी भी प्लेयर के बारे में जान सकते हो कि उसकी अभी फॉर्म कैसी थी, उसका स्ट्राइक कैसा था लास्ट मैच में, उसकी पोजीशन क्या है, किस नंबर पे आकर बल्लेबाजी करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे एक विकेट कीपर ले सकते हो, आप चाहें तो यहाँ पर एक बैट्समैन ले सकते हो, आप चाहें तो एक ऑलराउंडर ले सकते हो, आप चाहें तो यहाँ पर एक बॉलर ले सकते हो। तो जैसा आप यहाँ पे करना चाहो वैसी टीम क्रिएट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे क्रेडिट की भी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार से ज़रूर इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्टमेंट करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो दो ऑप्शन है आपके सामने, हसन अहमद, निसार अहमद और एस इस्लाम। तो काफ़ी लोग आज यहाँ पे हसन अहमद के साथ जाएंगे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कल के मैच में ठीक ठाक रही थी, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे निसार अहमद की भी रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों निसार अहमद के साथ जाऊँगा, टॉप क्लास प्लेयर है, किसी भी मैच में बल्ला चल सकता है, और मैं आपको बता दूँ आराम से 10 गेंदों के अंदर ये 30 रन आराम से बना सकता है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है। और हसन अहमद भी काफ़ी अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न हसन अहमद को ड्रॉप करने का ये है क्योंकि ये एज अ नॉर्मल प्लेयर खेल रहे हैं, ना ये बॉलिंग करने वाले हैं ना ही विकेट कीपिंग करेंगे, जबकि निसार अहमद आपको 2 से 3 कैच पकड़ कर भी दे सकते हैं, उसके अलावा ये बल्लेबाजी भी करेंगे। इसी कारण से मैं यहाँ पे निसार अहमद को अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर पिक करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे हसन अहमद को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नजमुल हक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इनको भी करेंगे। हसनत अहमद को यहाँ पे ट्राई करेंगे जो कि आपको बैटिंग और बॉलिंग, हुसैन अहमद सॉरी, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर। उसके अलावा यहाँ पर हम एस नवाज को भी करेंगे, कल के मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और सबको ये बता दिया कि क्या कर सकते हैं, काफ़ी कम गेंदों पर बड़ा स्कोर बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी ट्राई किया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है जिसके साथ यहाँ पर मैं जा सकूँ, तो जो इंपॉर्टेंट 3 मेन बैट्समैन थे मैंने इनको अपनी टीम में पिक कर लिया है। बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर हम अलामीन को अपनी टीम में ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। हसनत अहमद को पिक करेंगे, राजीव मियां को पिक करेंगे, और नीचे से आप चाहें तो यहाँ पे फरीद आपके लिए जेल का बहुत ही बड़ा प्लेयर हो सकता है क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है, और कल इसने एक छक्का जो लगाया था ना, इससे ये पता चलता है कि ये बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी कर सकता है। तो आज हो सकता है कि इसको टीम ऊपर प्रमोट करे अगर इनकी टीम के विकेट गिरते हैं जल्दी। तो उसके अलावा शारिफ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे सुखविंदर सिंह के साथ जाऊँगा, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग कर सकता है। कल 2 मैचेस के लिए दोनों मैचेस में इसको एक एक विकेट मिला, तो किसी दिन इसका अगर दिन रहा ना तो आराम से ये 2 से 3 विकेट निकाल सकता है किसी भी मैच में। बॉलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर रुखसार अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर, इनको पिक करेंगे, एम इस्लाम को पिक करेंगे, एम इमरान को पिक करेंगे, और यहाँ पे चौकीदार इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पे सुखविंदर सिंह को ड्रॉप करना पड़ रहा है। बाकी अगर आप ग्रांड लीग वगैरह टीम जब क्रिएट करो ना तो इनको आप किसी भी प्लेयर की जगह पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर चलिए इनको पिक कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके लिए आसिफ की पिक है, जीएल में ज़रूर ट्राई करिएगा। इनके अलावा यहाँ पर एफ नाजिर हैं जो अगर खेलते हैं तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी जो टीम है वो क्रिएट हो चुकी है, मैंने अपनी टीम में जिन्ना ब्रेसिका के 5 प्लेयर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने टीम वन के 6 प्लेयर्स को पिक किया है। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूँ तो मैंने दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से निसार अहमद को एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में पिक करके रखा है क्योंकि ये अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे और अपनी टीम के लिए बैटिंग भी करेंगे। अगर आप सेफ जाना चाहें तो इनकी जगह पर किसी अनदर विकेट कीपर को ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से इस नवाज को रखा है जो कि आपको ओपन करके देगा, हुसैन अहमद को रखा है ये भी अपनी टीम के लिए टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, एंड हुक को रखा है ये भी काफ़ी कमाल के प्लेयर और जो इनके लास्ट 4 मैचेस रहे वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने हसनत अहमद को रखा है ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, एम अलामीन को रखा है ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, और आर मियां को रखा है ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग करके देंगे। बॉलिंग सेक्शन से मैंने इमरान को रखा है, लोअर ऑर्डर में आकर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है और प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी करेगा। रुखसार अहमद अपनी टीम के कैप्टन है, कल दोनों मैचेस में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो इसलिए मैंने इनको पिक करके रखा है। एस चौकीदार को रखा है यहाँ पर मैंने, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एम इस्लाम को रखा है, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ अपनी इस टीम में मैं किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन करूँगा, तो कैप्टन की सबसे सेफ ऑप्शन है यहाँ पे अलामिन। वाइस कैप्टन में यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना, आप अगर यहाँ पे हसनत अहमद को वाइस कैप्टन बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा डाउटफुल ये रहेगा कि ये कितने ओवर बॉलिंग करेंगे।
इनका ये थोड़ा डाउट है, दो ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करते हैं तो इनसे अच्छा वाइस कैप्टन कोई नहीं है, क्योंकि नंबर चार पर आकर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करेंगे। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, बाकी अगर आप सेफ जाना चाहें तो आप लोग यहाँ पर राजीव मियां को अपनी टीम में वाइस कैप्टन सेलेक्ट करके जा सकते हो, क्योंकि इनका जो लास्ट मैच था ना वहाँ पर इन्होंने 22 रन बनाए थे। इसके अलावा ये बैटिंग और बॉलिंग भी काफ़ी शानदार ही करते हैं, तो सेफ ऑप्शन आपके पास आर्मिया का है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपनी टीम में हसनत अहमद को वाइस कैप्टन बना के, तो आप लोग चाहें तो हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, और जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हैं। इसी सेम टीम के साथ दोस्तों मैं स्मॉली के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा, और इसी टीम के साथ दोस्तों मैं हेड टू हेड की कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करूँगा। आप चाहें तो हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले सकते हो, जहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता तो जो मेरी फाइनल टीम होगी ना आफ्टर लाइन पर टॉस के बाद, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के समय 7,000 से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो ना तो चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पे कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, और जो डिस्क्रिप्शन में भी पहले नंबर पे आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों जगह से जाके आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री और आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों, जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।